माज मुझे आप ये बताओ, आप जो मुझे पता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने शुरू किया था डब स्मैच से, फिर जब म्यूजिकली था आप उस पे गए, फिर आप टिकटॉक बनाते थे right. और टिकटॉक आप अब आपका ये हाल है कि आपने टिकटॉक अपना डीएक्टिवेट कर दिया है. हाँ, डिलीट बंद ही कर दिया आपने, डिलीट कर दिया आपने, कहा कि मैं टिकटॉक इस्तेमाल ही नहीं करना. नहीं किया, दो साल से तो नहीं किया. इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही थी कि मैं अपने आप में कुछ चेंज देखना चाहता था. अगर मैं वो डिलीट नहीं करता तो मेरे शायद यूट्यूब पर मैं इस तरह नहीं आगे ग्रो कर पाता, तो मैंने वो इसलिए डिलीट किया था ताकि मैं यूट्यूब पर ग्रो कर पाऊँ, यूट्यूब की ऑडियंस बनाऊँ, क्योंकि डिफरेंट ऑडियंस है. ठीक है, फेसबुक की अलग ऑडियंस है, यूट्यूब की अलग ऑडियंस है, टिकटॉक की अलग ऑडियंस है. तो मैंने टिकटॉक डिलीट किया ताकि मैं फेसबुक यूट्यूब की ऑडियंस बनाऊँ, और यूट्यूब की ऑडियंस इन अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, बहुत अच्छे से बन गई. उसके लिए डिलीट किया था जस्ट. तो आपने ये क्यों ना समझा कि मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके चलूँ? नहीं, अभी मेरा इरादा है कि मैं टिकटॉक इंस्टॉल करूँ दोबारा और मैं उस पर एक्टिव हूँ, लेकिन डांस वीडियो के साथ नहीं, म्यूजिक वीडियो के साथ नहीं, एक बिजनेस को लेके इस पर एक्टिव हूँ, क्योंकि टिकटॉक जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो.